दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भूपेंद्र भोसले। दोस्तों, आज हम बहुत ही खास लोकेशन पर आए हैं जो कि बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ हाईवे की, तो आपकी जो जम्मू से है बिल्कुल हाईवे आ रही है, जम्मू रोपड़ से हाईवे आ रही है NH 21, और उसके अलावा NH 95 जो आपकी अमृतसर से लुधियाना से होते हुए आती है, और तीसरी जो आपकी दिल्ली से आती है, तो तीनों यहीं पर आपके एडजॉइंट होती है एयरपोर्ट रोड के पास। तो दोस्तों, आज की जो हमारी सोसाइटी रहेगी पाव विलेज के नाम से रहेगी, सेक्टर 126 मोहाली के अंदर, जो कि 7.5 एकड़ की सोसाइटी है, जहाँ पे आपके पास गार्डन्स आ जाते हैं, एक अच्छे से गार्डन, क्लब हाउस के अंदर आपको जिमनेजियम पूरा मिल जाता है पूरा। उसके अलावा आपके पार्टी हॉल आ जाता है, जहाँ पर अच्छी सी गार्डनिंग आप कर सकते हैं, क्रेच आपको अलग से मिल जाता है, मीटिंग हॉल आपको आराम से मिल जाता है। और इसके अलावा जो गार्डन है उसके अंदर चिल्ड्रन प्ले एरिया मिलता है, सिक्योरिटी के नाम पर आपको इजीली 3-tier सिक्योरिटी यहाँ पर मिलती है, जिसका आपका जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, वॉल है, गेटेड है, आपकी हर तरह से एक प्रॉपर सोसाइटी आपको मिलती है। तो और दोस्तों, जो हम आज अपार्टमेंट देख रहे हैं वो आपका रहेगा 1900 स्क्वायर फीट के अंदर, एक बहुत शानदार अपार्टमेंट है, और जहाँ पर आपका 2-sided ओपन अपार्टमेंट्स रहेंगे सारे के सारे, एक बड़ी बड़ी बालकनीज रहेंगी, और वेंटिलेशन और लाइट का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों, मिस मत करना, स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखो और मजे लीजिए। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ, जो कि 12th फ्लोर पर है, और बता दूं यहाँ पर हमारे पास 2500 स्क्वायर फीट में भी है और 1900 स्क्वायर फीट में भी है अपार्टमेंट। तो लिफ्ट्स को काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया, अच्छे से मेंटेन की गई है, लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और दोस्तों, एक फ्लोर के ऊपर हमारे जो रहेंगे 3 अपार्टमेंट्स रहेंगे, स्टेयर्स आपको साथ में मिलेंगी, और मेन एंट्रेंस डोर जो हमारा रहेगा वुडन का रहेगा, काफ़ी हैवी है, काफ़ी टॉल है, 8 feet की उसकी हाइट रहेगी, और विड्थ जो रहेगी 3.5 से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, बड़ा सा हैंडल है इसका। और ओपन करते हैं, और जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारे पास आता है एक शानदार सा हमारा ड्राइंग एरिया, जो कि काफ़ी अच्छा है। 16 feet की इसकी लेंथ रहती है और 11 feet की इसकी विड्थ रहेगी, काफ़ी अच्छा साइज़ है, सीलिंग पर भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया। और बता दो दोस्तों, ये हमारा कोई सैम्पल फ्लैट या डेमो अपार्टमेंट नहीं है, ये बिल्कुल एक रियल अपार्टमेंट है। बस आपको सिंपली कुछ 6-seater आपको सोफ़ा यहाँ पर लगाकर दिखा दिया गया, जैसे यूजली होता है कि आपके जो डेमो अपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी कुछ किया गया होता है, यह बिल्कुल नॉर्मल है जी। और बता दूं यार आपको, जो नीचे यहाँ पर हमें फ्लोरिंग मिल रही है हमारे डेमो में, तो ये हमारी जो रहेगी आपकी वुडन सारी रहेगी, वुडन फ्लोरिंग। और अगर आपको लगता है कि टाइल्स आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर हो जाएगी, बड़ी सी खिड़की यहाँ पर, उसके साथ एक बड़ी सी हमारी बालकोनी, रनिंग बालकोनी है हमारी पूरी यहाँ पर, जो कि 6 feet की है और ऊपर 30 feet तक जाती है आपकी, दिखाता हूँ, पूरी रनिंग बालकोनी है आपकी पूरी यहाँ से वहाँ तक। और यार इतनी बड़ी बालकोनी हो तो आप इजीली यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह करें तो मज़ा ही बड़ा अलग आता है। देखिए जितने रूम्स हैं आपके वो सारे यहाँ पर कनेक्टेड है, और वॉशिंग एरिया आपको दोनों तरफ मिल जाता है, एक बड़ी सी बालकोनी। काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है इस बड़ी बालकोनी का, मतलब ये होता है कि आपके पास सालों साल जो है यहाँ पर लाइट और वेंटिलेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ठीक यहाँ पर हमारा डाइनिंग एरिया, यार ये बड़ी अच्छी एक खास चीज है, आपका जो ड्राइंग और डाइनिंग एरिया वो दोनों को अलग कर दिया गया, तो आपके पास स्पेस यहाँ पर काफी अच्छी आ जाती है। तो प्रॉपर नीचे जितनी हमारी टाइल्स रहेंगे सारी बैटरी फाइव टाइल्स रहेंगी, काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया। और यहाँ पर एक चीज खास और है, बताता हूँ मैं आपको, और ये हम अपनी खिड़की थोड़ी सी हटाते हैं और बाहर का नजारा यहाँ से जो आता है वो वाकई बड़ा शानदार है। तो देखिए आप यहाँ बैठे हम खाना खा रहे हैं अपने परिवार के साथ, और थोड़ा सा विंडो हटाइए और पूरा गार्डन का व्यू, वाओ एक अच्छा व्यू यहाँ से आता है बाहर की तरफ का, हर तरफ आपके जो खिड़की रहेगी वो प्रॉपर रहेंगी। और ठीक यहाँ पर हमारे पास जो आती है हमारी किचन आ जाती है,
काफ़ी अच्छा साइज़ है किचन का आपका, 11 फीट का साइज़ आपको किचन में मिल जाता है, एल शेप में आपकी पूरी बनी हुई है। प्रॉपर आपका जो काउंटर टॉप है ग्रेनाइट का रहेगा, उसके अलावा जो जितने चेयर रहेंगे वो सारे डबल लेमिनेशन रहेंगे रैक्स के साथ पूरे प्रॉपर, चाहे नीचे हो या ऊपर हो आपको जो है प्रॉपर जो स्टोरेज है वो पूरी मिलेगी यहाँ पर, कोई कमी नहीं रहेगी यहाँ किसी भी चीज़ की। चिमनी के लिए प्रॉपर स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाती है और चिमनी भी यहाँ पर हमें मिल जाती है, इसके अंदर टाइल्स आपकी काफ़ी अच्छी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक इस तरफ आपका जो वॉश बेसिन आ जाता है, किचन सिंक एक अच्छे डिजाइनर टैप के साथ, जैगवार के भरोसे के साथ काफ़ी डीप है। और ठीक यहाँ पर आपके पास खिड़की आ जाती है और ऊपर एग्जॉस्ट के लिए भी स्पेस मिल जाएगी आपको, तो यार पूरी प्रॉपर स्पेस है हमारे पास यहाँ पर। कॉर्नर विंडो हमें यहाँ पर मिलता है आपका, बिल्कुल अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज किया गया है इसके अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, तो इस तरफ हमारा फर्स्ट बेडरूम आता है। आप देखिए क्या लाइट आ रही है पूरे रूम के अंदर, वाह। देखिए सीलिंग पर यहाँ पर बहुत अलग से डिजाइन नहीं है, सिंपल से है, सोबर से है, क्योंकि एक सेगमेंट में आ जाते हैं, तो इस सेगमेंट में अंदर जो घर आते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जो होता है वो ग्लिटर्स वाला काम नहीं होता, बहुत ज्यादा चटकीले रूम कलर्स यहाँ पर कहीं यूज नहीं होते। 211x12 का रूम है आपका, प्रॉपर आपकी जो स्पेस है इधर यहाँ पे आराम से आपकी जो अलमीरा आ जाएगी, उसके बाद भी जो हमारे पास स्पेस है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। और जो कि हमारा ये वाला रूम भी जो है आपका है कनेक्टेड है आपकी बालकोनी के साथ, जो कि 6 फीट की है, 6x30 की रनिंग बालकोनी, तो यहाँ पर भी लाइट और वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। ये बड़ा अच्छा डिज़ाइन है पूरे घर के अंदर यार, तो सारा दिन हमें कभी यहाँ पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ठीक थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है एक हमारा कॉमन वॉशरूम। दोस्तों ये वो स्पेस है जिसकी बहुत सारे हमारे दोस्त जो है हमारे बात करते हैं कि यार अगर हमारा गेस्ट आएगा तो उसे हम नहीं चाहते कि हर गेस्ट को अपने रूम के या बेडरूम की तरफ से लेकर जाए। और देखिए सीलिंग की हाइट तक आपकी टाइल्स जाती है, बड़ा अच्छा सॉबर सा कलर यहाँ पर यूज किया गया, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से चटकीले कलर हो, एक अच्छे डिजाइन के साथ आपकी पूरी मिल जाती है वॉशरूम आपको मिलता है, पूरे डिजाइनर टैप्स आपको यहां मिलेंगे जैगवार के डिजाइन के साथ और उसके भरोसे के साथ। दोस्तों बढ़ते आगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, और दोस्तों ये हम बता दूं मैं आपको, ये हमारा मास्टर बेडरूम है, काफी अच्छी स्पेस है हमारे पास यहां पर 14x12 की, तो 14x12 का मतलब ये हो जाता है कि आपके पास स्पेस ही स्पेस है। और ये भी बता दूं दोस्तों इस 14x12 के अंदर आपके अलमीरा जो है वो अलग से हमने सेटल कर दिए हैं। सीलिंग पर यहाँ पर भी बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन आएगा, कोई ज़्यादा अलग सा नहीं है, सॉपर सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं सारी, जो कि रहने लायक बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। सामने की तरफ आपके बिल्कुल टीवी पैनल बिल्कुल आपके बेड के सामने, और यहाँ पर आपके पास स्पेस ही स्पेस। हाँ देखिए आप किसी भी रूम में आप सो रहे हैं या किसी भी रूम में जैसे आप सुबह मॉर्निंग में जागते हैं, आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, एक पर्दा हटाना है और रोशनी रोशनी, वाह। तो यार ये खास चीज होती है यार, पूरे घर के अंदर लाइट और वेंटिलेशन का बहुत ही प्यारा संगम है। और ठीक इस तरफ जो है हमारी वार्डरोब जो कि सीलिंग की हाइट तक जाती है, और जितनी भी यहाँ रहेंगी सारी डबल लेमिनेशन के साथ रहेंगी, पूरे प्रॉपर कॉलम्स आपको यहाँ मिलते हैं नीचे से ऊपर तक। हैंडल जो दिया है काफी अच्छे जगह पर दिया है, कोई ज्यादा ऊपर भी दिया क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको स्टूल रखना पड़ता है फिर आप ऊपर की तरफ जाते हो, तो एक अच्छा काम यहाँ पर किया गया। और ठीक यहाँ पर आपका जो अटैच वॉशरूम आपको यहाँ मिलता है क्योंकि मास्टर बेडरूम है, और यहाँ पर भी जो सीलिंग की हाइट तक आपको सारे टाइल्स मिलती है, बड़े अच्छे कलर्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ किया गया हर जगह पर, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कोई चटकीला कलर है हमें अच्छा नहीं लग रहा या खराब है, बिल्कुल भी नहीं। और खास चीज़ एक और है, यहाँ पर हमें जो है ग्लास पार्टीशन मिल जाती है टफर ग्लास, तो आपका यहाँ पर ड्राइवर बेड कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा रहता है, कोई चीज़ आपकी इधर उधर नहीं आती, प्रॉपर एक डिज़ाइन के साथ पूरी पूरा वॉशरूम हमें यहाँ पर मिलता है।
और दोस्तों यहाँ पर हमारा थर्ड बेडरूम जो कि अगेन 14x11 का रहेगा आपका ये वाला बेडरूम, पहले वाला 14x12 का था, थोड़ा सा फर्क। प्रॉपर हमारे पास स्पेस यहाँ पूरी आ जाती है और खिड़कियाँ हमें हर रूम के अंदर अटैच मिलेंगी, ठीक है, किसी भी एंगल से देख लीजिए। आपके जो बेड्स हैं उसके साथ आपको स्पेस पूरी मिलती है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी स्पेस जो कहीं ख़त्म हो रही हो। ये यहाँ पर जो आपको वार्डरोब है वो आपकी इनबिल्ट मिलती है वॉल के अंदर, सो यहाँ पर भी आपका जो स्पेस है वो सिर्फ आपकी स्पेस है। आप अलग से यहाँ पर टेबल चेयर रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका वॉशरूम जो है वो अटैच रहेगा, ये सेम आपका वॉशरूम रहेगा जो कि हमने कॉमन दिया था सामने की तरफ, एक अच्छे डिजाइन के साथ। तो दोस्तों ठीक इसके साथ हमारी बालकनी यहाँ पर आ जाती है जो कि रनिंग बालकनी काफी बड़ी। क्या बात है, देखिए इजीली अगर आपको यहाँ इस बालकनी के अंदर अपना वॉशिंग करनी है तो यहाँ कर सकते हैं, और अगर दूसरी में करनी है वहाँ कर सकते हैं। वॉशिंग और क्लोथिंग दोनों के लिए स्पेस बहुत अच्छी है, तो पूरी रनिंग बालकनी होने का यार फायदा बड़ा अच्छा हो गया यहाँ पर। और हाईवे के ऊपर घर हो तो यार किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, सोचना नहीं पड़ता हमने कहाँ पर जाना है कैसे जाना है, क्योंकि हाईवे पर घर आप एक बार बाहर निकले तो ऑलमोस्ट आप हाईवे पर ही हैं, रोड पर हैं, तो कोई भी लोकेशन जो होती है आपके लिए दूर नहीं होती। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK अपार्टमेंट जो कि 1900 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है, सेक्टर 126 मोहाली में, बिल्कुल कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। और दोनों तरफ आपके जो बालकनीज आपको बड़े बड़े मिलती है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो 30 फीट की यहाँ पर है और ऐसी वहाँ पर दूसरी तरफ है, तो हर रूम आपका जो है बालकनी से कनेक्टेड है। तो दोस्तों बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, गार्डन क्लब हाउस हर चीज़ यहाँ पर उम्मीद है यहाँ पर मौजूद है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ज़रूर हमें, और अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिए। दोस्तों अगर आप इस घर को देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो और कभी भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त देता हूँ, आपका दोस्त कुलविंदर, सत श्री अकाल।